हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नवान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। कांग्रेस कंटेस्टेड एमएलए कारवान इंचार्ज उस्मान अल हजरी और टीपीसीसी सेक्रेटरी बंडूलाल, यूथ लीडर मोहम्मद परवेज ने कांग्रेस के कैंडिडेट से मुलाकात किया और इनके साथ पैदल दौरा किया, जिसमें लंगर हाउस डिवीजन कैंडिडेट शोभा पांडे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स एन वेणुगौड गुड़ी मलकापुर डिवीजन, के रविंदर कारवान डिवीजन शामिल थे और आवाम से अपील किया कि वो कांग्रेस को वोट दें। तेज खबरों के लिए स्टार न्यूज एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। आप लोगों से गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लंगर हाउस डिवीज़न में कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कांग्रेस पार्टी के डायनेमिक हमारी टाइगर लीडर हमारी बहन शोभा पांडे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। ये वही शोभा पांडे जी हैं, हम जहाँ पर ठहरे हुए हैं, हमारे साथ जो लोग हमारे भाई ठहरे हुए हैं, किसी वक्त इनका घर पानी में डूबा हुआ था, उस मुसीबत में आने वाली बहन जो मुझे बुलाए थे यहाँ पर, हम लोग दिन रात यहाँ ठहर कर यहाँ पर काम करके हमारे भाइयों को यहाँ के एरिया के मसाइल को हल करे थे। तो मैं आज तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ लंगर हाउस डिवीज़न के कि आपके लिए आपकी बहन, हमेशा ठहरने वाली बहन को मैं आपसे वोट देने की अपील करता हूं। मैं गुजारिश करता हूं यहां के भाइयों से कि भाई आपका नाम क्या है? राजे है। कौन आए थे आपके मुसीबत में? आप लोग आए थे ना सफा। आपका नाम बताइए आप लोग। राजे जी, बोलो आप। ऐसे साफ़ अभी पानी ऐसा जब भी साफ आए सो है, नाले पूरा बंद करे सो है, पूरा घास पोंस भर के पूरा घर पानी आए थे। इसमें हमारा साफ आवे का पाँच छः दिन ठहर के यहाँ सो के रात दिन भी मदद करे ऐसा हमारा को। तो मैं यही आप लोगों से, आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमारी कैंडिडेट डायनेमिक लेडी हमारी बहन जो है ना शोभा पांडे, दिन रात लोगों की मेहनत में सेवा में रहती, 10,000 की स्कीम के लिए भी जो धांधली हुई, अपने अपने लोगों को बांट लिए, गरीब लोगों को पैसे नहीं देके, जिनके पानी में घर बह गए, जिनके मुसीबत में सामान पूरे अपने बेसारो सामानी में, वो लोगों को जो मदद आई थी गवर्नमेंट से, वो मदद अपने आप में लोगों को बांट लिए। यहाँ के गरीब बस्ती है, यहाँ के नाले को लग के ये पूरा पानी हमेशा भर जाता, यहाँ किसी को भी पैसे नहीं देना, ये बहुत बड़ी अन्याय है, दुर्माग्यम है। यह इसलिए मैं आप तमाम से जी 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 यहाँ ये हालत ये गुजरे हुए हैं यहाँ पर, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, सबको देख लिए एक मर्तबा, यहाँ की अपनी बहन है, यहाँ डिवीज़न की बहन है, हमने बहुत से लोगों से मुखालिफत मोल ली एक बहन के लिए, चूंकि ये बहन दिन रात यहाँ काम करने वाली है हमारे साथ, जब भी वो बुलाए हमको हम यहाँ आए, और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा डायनेमिक, और पूरे पार्टियों में भी अगर कोई डायनेमिक लेडी है यहाँ पे काम करने वाली लीडर है तो शोभा पांडे बहन है। मैं आप तमाम से, लंगर हाउस डिवीज़न के तमाम लोगों से और हैदराबाद के तमाम भाइयों से बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। मैं इस सिलसिले में हमारे टीपीसीसी सेक्रेटरी हमारे जमालपुर बंदुलाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ इस सिलसिले में, क्या आप डिवीज़न लो शोभा पांडे गारी इच्छी अवकाशा की इकड़ नाला दिखी एनो सारू इबूल जरिए इकड़ जरिए ये पार्टी वाले इक रे खचिता कांग्रेस पार्टी वाल मेमिडी दी नाल परशी इंडल नील वाला पद वेल रूपये एवरी रे पार्टी परम वाले वचनाई इकड़ पेद प्रजक एवरी रे दाटे यदि प्रभुत्मी इकड़ पेद प्रजल के सहकार चंद
शोभा पांडे गारु इक्कड महिला कानी मेम गानी इक्कड कांग्रेस लीडर्स गानी मोत्तम अप्पुडु मा हयंलो उन्नटुवंटि डेवलपमेंट गानी इप्पुडु मात्रं एमी डेवलपमेंट कूडंगा लेदु दीनि गमनिंचि इक्कड प्रजलु कूडंगा माकु मुंदु चूपु उन्नारु ఈ దీంట్లో శోభా పాండే గారికి ఓటు వస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం థాంక్యూ अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे।